आज हम आप सबके लिए लेके आए बहुत अच्छी रेसिपी, डालगुना कॉफ़ी की रेसिपी है। यह पीने में बहुत ज़्यादा यमी लगती है और छोटे बड़े बच्चों को सभी को पसंद आती है। लेकिन इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको वीडियो में, तो वीडियो आधे फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स डालगुना कॉफ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा यमी लगती है और सभी को पसंद आती है, छोटे बड़े को। लेकिन मैं इसको बताऊंगी कि ये कितनी फ़ायदा है और कितनी नुकसान भी है, और गर्मी में ये थोड़ी यमी भी लगती है लेकिन इसका नुकसान भी होता है। तो चलो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाउल ले लिया है और अभी हम अपनी क्रीम बनाएंगे। क्रीम बना के पहले हम तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ली है कॉफ़ी, तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच कॉफ़ी ली है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा ली है। अगर आप कम बना रहे हो तो कॉफ़ी को बिल्कुल कम ही रखना मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा वो होती है गर्म, तो इसलिए आप कॉफ़ी कम ही रखना। और यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है 2 चम्मच। और फ्रेंड्स, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, चीनी को हमें ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि अगर आपकी कॉफ़ी ज़्यादा हो गई, चीनी कम रही, तो बहुत कड़वी लगेगी और पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला है, तो मैंने ये नॉर्मल पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा हल्का गर्म करके पानी डाला है, हल्का सा गर्म है। और इसको मैं बस एक ही साइड से घुमाते जाऊंगी चम्मच से। और आप चाहो तो ब्लेंडर से भी कर सकते हो, लेकिन ये चम्मच से इजीली आराम से हो जाती है, तो मैं आपको चम्मच से ही करके दिखाऊंगी बिल्कुल। और इसको मैं फेंटती जाऊंगी तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कलर चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी चीनी बिल्कुल मोटी है तो आप उसको पीस के ही डालें थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा मोटी चीनी रहेगी तो घुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और क्योंकि जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो वो घुलेगी तो है नहीं कि पानी डाल के ज़्यादा घोलें, नहीं, तो इसलिए आप चीनी को पीस लें। तो यहाँ मैं अच्छे से एक ही साइड से घुमा घुमा के इसको फेंटती रहूँगी, और फेंट के एकदम देखो कितना कलर चेंज हो गया है। और ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हैवी रहती है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉफ़ी कम ही रखना हो सके तो, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। और अगर आपकी चीनी कम रहेगी तो आपकी ड्रिंक जो कॉफ़ी है उसका टेस्ट मतलब बिगड़ जाएगा बिल्कुल। तो कॉफ़ी की क्वांटिटी बिल्कुल कम ही रखना जहाँ तक हो सके। और आपको लगता है आपकी क्रीम नहीं बन रही है तो आप थोड़ी सी कॉफ़ी फिर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं पानी डाल डाल के इसको फेंट लेती हूँ, तो यहाँ पे कुछ हद तक हमारी क्रीम बनके तैयार हो रही है। अभी पूरी नहीं बनी है तो मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ, और आपको इसको अच्छे से फेंटना होगा, एक ही साइड घुमा घुमा के फेंट रही हूँ मैं। और बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, हमारी कॉफ़ी से क्रीम बन गई। मैं यहाँ फेंट फेंट के हमारी कितनी थिक हो गई है, एकदम बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। और हमें चीनी घुलने तक इसको अच्छे से फेंटना है और खूब अच्छी सी हमारी क्रीम बन जाए, जब तक हमें इसको अच्छे से फेंटना है। अगर आपको लगता है कि अभी हमारी चीनी थोड़ी सी रह गई है, और अच्छे से थोड़ा सा पानी वही हल्का सा गर्म डाल के फिर से फेंटें। हमारी क्रीम अच्छे से बन के तैयार हो गई, तो देखो कितनी प्यारी क्रीम बनी हुई है और कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स। और आप कभी भी जल्दी से बना के पी सकते हो, आपके घर में कभी भी गेस्ट आया है तो आप बना सकते हो। बस ध्यान आपको इसी चीज़ का रखना है कि कॉफ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चीनी सही होनी चाहिए, नहीं तो कड़वी लगेगी तो फिर बेकार बनेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ठंडा दूध लिया हुआ है, और दूध में मेरे चीनी ऑलरेडी है, पहले ही से मीठा दूध है। और अभी मुझे इसमें बर्फ़ डालनी थी, तो मैं कॉफ़ी वो क्रीम डाल दी, तो इसमें पहले हमें बर्फ़ डाल देनी है अच्छे से, और फिर उसके ऊपर हमें क्रीम डालेंगे। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो तो बच्चों को दूध ज़्यादा होनी चाहिए, क्रीम बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को आप ज़्यादा क्रीम भर के दोगे फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, तो आपके बच्चे का पेट भी दुखेगा। अगर आप भी इतना ही भर के दूध कम होगा और क्रीम आप ज़्यादा लोगे तो आपका भी पेट दर्द करेगा, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, आप एक गिलास दूध ले रहे हैं तो कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पे तो मैंने इतना इसलिए डाला है क्योंकि मैंने क्रीम आपको बना के दिखाई है और गिलास में डाल के दिखाई है, तो आपको इतनी नहीं देनी है। और देनी है तो बिल्कुल कॉफ़ी आपकी कम रहेगी, कड़वी नहीं रहेगी तो ठीक है, नहीं तो इतनी बच्चे को कभी मत देना फ्रेंड्स। आप मैं यही चीज़ आपको बताने वाली थी, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से दूध भी ले लिया, और कॉफ़ी हमारी ये डालगुना कॉफ़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी पाउडर लेके ऐसे कर दिया है, और कितनी प्यारी बनी हुई है, कितनी अच्छी लगी, पीने में बहुत ज़्यादा यमी लगती है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बस ध्यान इस बात का रखना है कि बच्चों को थोड़ी कमी देना और आप भी कमी पीना।
कॉफ़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको कॉफ़ी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन का बटन है तो उसे भी पक्का प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी कोई रेसिपी लेके आऊँ आप सभी के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, और मैंने बताया जैसे कि ये कितनी नुकसान है, तो फ्रेंड्स आप अगर बच्चे को इतना गिलास भर के क्रीम डाल के दोगे तो बच्चे के लिए नुकसान है, और बच्चे के लिए क्या आपके लिए भी नुकसान है, बड़ों के लिए भी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक गिलास दूध लें और एक दो चम्मच डालें क्रीम बस, और कॉफ़ी की क्वांटिटी कम ही रखना है। फ्रेंड्स आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर कॉफ़ी आपकी ज़्यादा हो गई और चीनी कम रही तो आपकी टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, कड़वी लगेगी। तो कुछ कुछ बातें ध्यान रखना है आपको बस, और बाकी बिल्कुल पीने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत यम्मी है। और आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर भी करना अपने अपनों के साथ भी। और फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी लेके, और मेरा दूसरा चैनल है तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ मैं अपने कान्हा जी की वीडियो डालती हूँ। तो सबको राधे राधे, अपने घर में रहिए, खुश रहिए।